हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। चैप्टर इसमें टू और थ्री है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीन दिशाओं से समुद्र से घिरे स्थलीय भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीपीय या तट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, प्रायद्वीपीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण भारत आदि किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा था। ऑप्शन है अंगारा भूमि, यूरेशिया, गोंडवाना, आर्य भूमि। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हिमालय के स्थान पर 40 करोड़ वर्ष पहले कौन सा सागर था। ऑप्शन है हिंद, भूमध्य, हडसन या टेथिस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही, टेथिस। क्वेश्चन नंबर फोर है, पर्वतों की रानी मसूरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ऑप्शन है महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, अमरकंटक। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दोदा बेटा, ठीक है। इसका बता सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर इसकी दुधा बेटा की ऊंचाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है। ऑप्शन ए है गोंडविन आस्टिन, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी। तो बता सकते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सर्वोच्च चोटी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका कितना है, तो इसका है 2695 मीटर, ठीक है। वहीं पर अभी हम लोग देखे थे कि अभी महेंद्र जो नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो दोदा बेटा था, जो कि 2637 मीटर है, और महेंद्र दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, ये 2695 मीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा सिक्स था। क्वेश्चन नंबर है सेवन, भारत की प्राचीनतम पहाड़ी कौन है। ऑप्शन ए है शिवालिक, अरावली, जयंतिया, पूर्वांचल। तो बता सकते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही, अरावली, ठीक है, यह भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर एट है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। भावर, जल्ला, दुआब, ताल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, दुआब कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। पीटली द्वीप, कवारती द्वीप, बेरन द्वीप, कार निकोबार द्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बेरन द्वीप, और ये स्थित है अंडमान निकोबार में, ये स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दस है, या ये हमारा चैप्टर थ्री का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है। अमेजन, नील, गंगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही, अमेजन, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नील नदी ये लंबाई में सबसे बड़ी है और द्रोणी में अमेजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ग्यारह है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। भारत में, यहाँ पर विश्व में था, यहाँ भारत में। ऑप्शन गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा। गंगा से और भी रिलेटेड बात बता दे रहे हैं कि ये जब देवप्रयाग में पहुँचे तब इसका नाम गंगा पड़ता है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर है लंबाई, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तेरह है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद क्या कहलाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र
मिलते हैं तो क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन ए है पद्मा, हुगली, लोहित, मेघना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, मेघना। पद्मा इसको तो बांग्लादेश में जब ये जाता है ना गंगा, तब उसको पद्मा कहते हैं, ठीक है। हुगली इसको ब्रह्मपुत्र में एक नदिया के मिलते हुगली उसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है। ऑप्शन है साक्ची, केनुला, रुद्रप्रयाग, नामचा बरवा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, नामचा बरवा, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। ताजे जल भी कह सकता है या सबसे मीठी जल, वही हुआ ठीक ना। ऑप्शन है चिल्का, डल, उलर या नैनीताल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, उलर झील, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछता है, तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, अरावली या अमरकंठ। बता सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जो कि मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दक्षिणी दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का ए, गोदावरी, ठीक है। इसकी लंबाई बता दे रहे हैं, लंबाई भी कभी कभी पूछ सकता है, तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। आपको नदी में दो नदी पढ़ना होगा, एक हिमालय नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। तो ये भारत की प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18, निम्न में कौन क्षारीय जल वाली झील है। क्षारीय जल वाली झील, ऑप्शन है डल, सांभर, नैनीताल, हीराकुंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, ठीक है। ये सांभर ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है राजस्थान में सांभर झील। ये भारत की सबसे लोनी झील है या खारे झील भी कह सकते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, गंगा कार्य योजना का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। वो ए है 1972, 1977, 1985, 2000, ठीक है। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1985, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। तो अभी अभी हम बताए थे आपको कि कौन सी है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आप हमें कमेंट में बताएगा, और अगर वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।